हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं रजत जैन आप लोगों के सामने मौजूद हूं। और देखो दो, आज क्या लाया हूं आपका पसंदीदा टॉपिक, थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो अपने को दिक्कत आ रही है ना, उसको एड्रेस करेंगे। अब देखो वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, लाइक तो करनी बनती है, क्योंकि इतनी बड़ी रिक्वेस्ट थी, इतने सारे कमेंट थे। फिर जाकर के सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करते हैं। और बहुत छोटी वीडियो में एड्रेस कर दूंगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा आपका। और ये जो डिसलाइक वाले हैं ना यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पार्टी नहीं दे पा रहा तुमको। तुम इतने सालों से साथ में हो, हर बार मेरे वीडियो पे आके कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो, पार्टी तुम्हारी पेंडिंग है, हमारा चैनल ग्रो होते जा रहा है। तो यार वो एक दो लोग जो है यार, अब तो मत करो यार, पार्टी दे दूंगा तुमको, ठीक है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सावधान रहे थोड़ा सा। देखो दो स्टेप है थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो है एक तो रिटेंशन और एक रिप्रेजेंटेशन। अब स्टेप टू तो बाद में आएगा, स्टेप वन सही नहीं होगा तो स्टेप टू कैसे आएगा, सिंपल बात है। तो मैं गलती स्टेप वन पे ही कर देते हैं, गलती स्टेप वन की पकड़ते हैं। स्टेप वन में रॉन्ग अप्रोच तुम्हारी क्या है वो समझना। एक लेक्चर देखा, अब लेक्चर आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, इस तरह से ही चल रहे हैं, तो लैपटॉप भी देखते हो आजकल आप। लेक्चर देख लिया, बुक खोल लेंगे। लेक्चर देख लिया, टीचर ने इतना ज्ञान दे दिया तो तुमने वापस बुक क्यों खोली, गलत है ये, पर मैं समझा देता हूँ फिर भी। पहले ही अप्रोच अपनी क्या खराब कि हम लोग बुक खोल लेते हैं, बुक खोल लेते हैं, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अब हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ ले, और उस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बुक को, तो हम तो यही भूल जाते हैं फैकल्टी क्या पढ़ा रही थी, क्योंकि हमने तो अपना दिमाग उसमें लगा लिया ना। तो हमने जो करा वो क्या करा, हमने पहले सब कुछ सीखा, फिर सब कुछ हमने गोबर कर दिया। प्रैक्टिकल में आप ऐसा नहीं करते, प्रैक्टिकल में जब आप टीचर से कुछ सीखते हो तो आप घर पे जाके होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ना हमें दिमाग चलाना पड़ता है। यहाँ पे आपने किया ही नहीं, यहाँ पे आपने किताब खोली, खटाखट पढ़ना चालू किया, पढ़ा, अब इतनी सारी लाइनें दिख रही हैं, वो लाइनें कंठस्थ याद करने में लग गए, क्योंकि काफी बार शुरुआत ऐसी होती है, शुरुआत में जोश बड़ा ज्यादा होता है तो अप्रोच पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जोश ही अप्रोच होती है, जो कि गलत हो जाता है। थोड़ा समय ढलते ढलते आप इन चीजों से बड़े निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। दूसरी अप्रोच आपको लोग आगे समझाते हैं कि भाई लेक्चर कर ले, बुक रीडिंग कर ले, दो तीन बार लिख भी लिया करें यार जो पढ़ता है उसका, तो पूरा रट्टा लग जाएगा तेरा, तेरे को मजा आ जाएगा। और जब आपको पता चलता है कि कोर्स का साइज कितना है तो धीरे धीरे इससे भी मोरल टूट जाता है। अब ये दोनों चीजें ट्राई करा हुआ बच्चा, थका हुआ बच्चा हमसे आके पूछता है कि सर बताओ क्या करना चाहिए, तो स्टेप वन सुधार लो, स्टेप टू सुधर जाएगा। स्टेप वन में क्या सुधारना है जरा समझिएगा। स्टेप वन के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ही तुमने अपना क्लासेस लिया, एक खाली कॉपी लेके बैठो। खाली कॉपी लेने के बाद ये सोचो कि आज पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था, उसकी हेड पॉइंट्स क्या हो सकती, और उसके अंदर एक या एक आध इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखो कि यार इसमें इसके इर्द गिर्द बात की। फिर बुक खोल लो, बुक में अगर वो बातें मैच कर जाए तो इसका मतलब आपने सही किया, और फिर आप अपने पास कीवर्ड को ध्यान रखो, क्योंकि आप कीवर्ड से कनेक्टिंग सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन सेंटेंसेस याद करने से कीवर्ड याद नहीं रहेंगे जिसके नंबर बनते, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये गड़बड़ सुधारनी है, कैसे सुधारनी है बताते। तो अगर चार पॉइंट आपको लिखने थे तो चार पॉइंट हुए, आठ वर्ड और आ गए, तो अब ना तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगा, ना आपने पहले बुक खोली। फिर बुक खोलो, बुक में देखो कि कौन से वर्ड मिस हो गए, उनको जो नहीं आपको आ पाए एक बार में उनको अलग से मार्क करके हाईलाइट कर, क्योंकि वहीं पे दिक्कत है। तो अपना कॉन्सेप्ट और नॉलेज को यार पॉलिश तो करो, तो जब छुरी को शार्प किया ही नहीं और सीधे काटने चले तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कटेगा नहीं, राइट, और खुद का कट जाएगा बदले में। तो अपने को क्या करना है, अपने को समझना है इस चीज को। अच्छा, तो हेड पॉइंट जो है वो क्या है, आपको पूरे अंडरलाइन वर्ड्स लेकर के अपने को समझना पड़ेगा। तो जब तक अपन अंडरलाइन कीवर्ड्स नहीं पढ़ेंगे हेड पॉइंट के साथ साथ में, तब तक काम नहीं चलेगा। तो आंसर क्या लंबा होता नहीं, हम लंबा बनाते हैं अपनी उसके पीछे सारी की सारी ऐड करके ज्ञान। तो आपको तो कीवर्ड पकड़ना है, तो इसका मतलब आपके लिए कभी भी एफर्ट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जितनी बड़ी आप उसको बना देते हो। तो वो कीवर्ड को हाईलाइट करो, जैसे हम भी अपनी बुक्स में कराते हैं और हमेशा बोलते हैं कि देखो इतना नहीं पढ़ते कभी भी, कभी भी अगर 300 पेज की बुक है और अगर मैं भी आपको 300 पेज की बुक दे दूंगा तो फिर फायदा ही क्या होगा। तो ब्लैंक कॉपी अपनी बनाओ और उसको छोटा करो, अगर आपकी किताबें बड़ी है तो, किसी ने आपके लिए वो मेहनत करके दी है तो यार उस टीचर की रिस्पेक्ट भी करो, अच्छी बात है। चलो और सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब रिप्रोड्यूस करना है तो फिर सिंपल सिंपल बात है, हेड पॉइंट सही होता है, हेड पॉइंट के नंबर होते हैं आधे, और कीवर्ड जो होते हैं ना उसके भी आधे नंबर होते हैं, तो वो पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़ रहे होते। जब भी आपका पेपर चेक होगा इतना समय नहीं होता कि पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके मार्क्स होते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से परे नहीं जाना चाहिए। जो भी टीचर आपको देते हैं ना सिंपल बुक, सिंपलीफाइड बुक, और जिसमें लैंग्वेज चेंज कर देता है इंस्टीट्यूट की, वो टीचर ना आपका बंटाधार कर देगा, पक्की बात है, राइट। और वो आप ही जानो कौन करता होगा कौन नहीं करता होगा, मुझे क्या पता, लेकिन सिंपल नहीं करना, क्योंकि सिंपल कर गया कीवर्ड गया, कीवर्ड नहीं गया तो मार्क्स नहीं है भाई, स्टैंडर्ड चेकिंग पैटर्न है, मार्क्स जो चीज लिखी होगी उसी के मिलेगी। तो कीवर्ड्स के इर्द गिर्द आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, दैट इज अलाउड। तो कीवर्ड अपने को पकड़ना आना चाहिए,
राइट, और आप उसी पे मेहनत करेंगे अगर, और वो आराम से हो जाएगा। अगर आप ना अपनी बुक बंद करके सोचने लगेंगे ना, तो आपको कीवर्ड्स पकड़ में आने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच जो चाह रही है रिप्रोड्यूस करना, वो आपके कीवर्ड्स अपने आप निकल के आएंगे। और इसकी वजह से आप समझ सकते हो, मैं अपने इंटर का ऐसे ही कोचिंग नहीं ली थी मैंने, 72 मार्क्स ITSM में थे उस टाइम, ITSM हुआ करते, 72 मार्क्स ऑडिट में थे सेल्फ पढ़ के, लॉ में नहीं थे यार पता नहीं क्यों, मेरे को तो बड़ी उम्मीद थी, 56 लॉ में थे, लेकिन गलती रही होगी मेरी, मैं ऐसा मान लेता। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, और थ्योरी जो है ना वो थ्योरी बड़ा सगे भाई की तरह, कोई और शायद आपका साथ छोड़ दे लेकिन थ्योरी जो है वही वहीं तक ही रहती है और लिमिटेड रहती है। तो नंबर बड़े अच्छे आ सकते हैं, प्रैक्टिकल के साथ एक दिन अच्छा एक दिन बुरा निकल जाता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। और मैंने जो अप्रोच बताई उसको ध्यान रखना, क्योंकि आप क्या, आप ना अपनी छुरी शार्प नहीं करते, और आपको लगता है यार अभी से कुछ कबाड़ा मुझे करना है, और वो आप करने लग जाते, वो गलत हो जाता है। तो आप क्या खुद का एफर्ट बढ़ा रहे हो, तो एफर्ट छोटा कर दो, कैसे करना है वो समझा दिया। अब आधे नंबर होते हैं कीवर्ड के, और आधे नंबर होते हैं आपके, सॉरी आधे नंबर हो गए आपके हेड पॉइंट के, और आधे नंबर हो गए आपके अंदर के कीवर्ड्स के। तो काफी लोग मेरे को आगे बोलते हैं कि सर मेरे चार नंबर है, चारों पॉइंट सही है, दो ही नंबर मिले। तो जब अंदर हम पढ़ते हैं तो अंदर उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छे से समझाया नहीं होता, या कोई भी कीवर्ड को डिस्कस नहीं किया। अच्छा तुमने अच्छे से नहीं समझाया कोई बात नहीं, लेकिन कीवर्ड अगर डिस्कस भी किया है ना, हल्का फुल्का भी उसके बारे में लिखा है, आपको नंबर मिलेगा, और ये गारंटीड है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप जिनके क्वेश्चन पूरे पूरे सही है उनके आंसर आप चेक कर लेना अपनी कॉपी में अगर मंगाई हो तो, और उनके भी आंसर चेक कर लेना जिसपे आपके मार्क्स कटे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी सारी की सारी कहानी मार्किंग स्कीम को लेकर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो स्टेप थ्री बता रहा हूं, स्टेप थ्री है गेट मार्क्स एंजॉय, स्टेप फोर भी बताओ, स्टेप फोर है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब क्या मैंने भी सोचा है कि यार जितनी भी शर्ट्स है ना मेरी मैं रोज पहनता रहूं, ताकि इससे मुझे आइडिया रहे कि मैं मोटा तो नहीं हो रहा कोरोना के दौर पे। तो इसलिए आप ऐसा मत समझना कि सर को अचानक मन किया है कि शर्ट्स पहने, नहीं नहीं अभी लॉकडाउन है मैं चेक कर रहा हूं। अच्छा टेक केयर एंड बाय बाय।